हमारे भाई में क्या बोलते हैं पता है? क्या? चंदेरी का देवदास, बर्बाद आशिक, बिक्की बावरा, सस्ता रांझा, मजनू का भांजा। यार स्त्री टू ने जवान, पठान, एनिमल, यहाँ तक कि कल्की तक को पीछे छोड़ दिया है और श्रद्धा कपूर की स्त्री टू साल 2024 की सबसे बड़ी हिट साबित हो गई है। लेकिन श्रद्धा कपूर को टक्कर देने के लिए आलिया भट्ट तैयार है, अपनी नई मूवी जिगरा का पोस्टर रिलीज कर दिया है और उस पोस्टर को देखने के बाद मेरे दिमाग में घंटियां बजनी शुरू हो गई है। मैं ये सोच रही हूँ कि क्या जिगरा इस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हो सकती है क्या, और क्या ये मूवी आलिया भट्ट के लिए सबसे अलग मूवी साबित हो सकती है क्या, सारी बातें जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूल जाना। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हो फिल्मी जाट गर्ल। देखो यार, जिगरा का पोस्टर देखते ही ना मुझे आलिया भट्ट के जो एक्सप्रेशन दिखे हैं उसे देखकर मुझे एक बात का अंदाजा हो गया है कि भाई इसमें आलिया भट्ट का कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आलिया भट्ट को देखते ही मुझे राजी वाली आलिया भट्ट याद आ गई है। यहाँ पर आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस बहुत ही दमदार रहने वाला है। पहले पोस्टर में दारचीज वाले वेदांग रैना भी हैं जिसमें आलिया भट्ट की बैक दिखाई दे रही है। इस पोस्टर के कैप्शन में आलिया भट्ट ने लिखा है तुम मेरे प्रोडक्शन में है। इसके बाद आलिया भट्ट ने फ्रंट पोस्टर शेयर किया है जिसमें आलिया भट्ट जीन्स टी शर्ट में दिख रही है और उसने बुलेट प्रूफ जैकेट टाइप पहना है और एक हाथ में कुछ हथियार वगैरह भी है और दूसरे हाथ में भी कुछ हथियार टाइप उन्होंने ले रखा है, बंदूक टाइप कुछ है उनके हाथ में, और जिसको देखकर लग रहा है कि भाई, और उनकी आंखें देखोगे ना तुम ऐसा लगेगा कि वो अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि कहानी लंबी है और भाई के पास वक्त बहुत कम है। देखो फिल्म की कहानी यही हो सकती है कि आलिया अपने भाई की रक्षा करेंगी अभी के लिए, लेकिन इतना ज़रूर कंफर्म है कि एक एक्शन फिल्म होने वाली है, बस यही पता लग रहा है। उसका भाई किसी गलत लोगों के बीच में फंस गया होगा, शायद वहाँ से उसे निकालने की कोशिश कर रही होगी, शायद वो कोशिश कर रही होंगी, ऐसा कुछ, मतलब ये मेरे दिमाग में कुछ थ्योरी बन रही है इस टाइप का कुछ कुछ प्लॉट 2017 में मौ आई थी श्रीदेवी की, वैसा कुछ यहाँ पर देखने को मिला था कि भाई अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर गई थी, और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है कि आलिया भट्ट अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। वही इंटेंसिटी आलिया भट्ट की आंखों में यहाँ पर दिख रही है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं बाला साहब और जो हटकर रिफ्रेशिंग कंटेंट वो देते हैं वो हमें पता है। उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की थी मर्द को दर्द नहीं होता, कॉमेडी एक्शन था। चुप, इतना चिल्लाने का क्या जरूरत है, रेजिडेंशियल है, चुप चुप बैठो। और इस बार वो एक इमोशन और थ्रिल वाली कहानी लेकर आए हैं तो देखने में मजा तो बड़ा आएगा। आलिया भट्ट इसे खुद प्रोड्यूस कर रही हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई एक्टर अगर अपनी फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है तो कितनी शिद्दत के साथ वो काम कर रहा होगा। आलिया भट्ट इससे पहले डार्लिंग्स को प्रोड्यूस कर चुकी हैं और अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई वो कितनी बढ़िया फिल्म थी और उसमें वो अपनी कितनी प्रोडक्शन स्किल्स भी दिखा चुकी हैं जो कि क्रिटिकली हिट भी रही है। देखो यार, आलिया भट्ट ने अपने करियर में क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद हम उनकी गंगूबाई देख चुके हैं, हाईवे देख चुके हैं, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देख चुके हैं, एक से बढ़कर एक ट्रांसफॉर्मेशन आलिया भट्ट ने हमें इतने लंबे टाइम में दिखाया। आलिया भट्ट ने टाइम के साथ प्रूव करके दिखाया भाई उन्हें कोई भी कैरेक्टर पकड़ाओगे जिस भी तरीके का वो उसमें फिट होकर दिखाएंगी, वो बहुत मेहनत करती है अपने किसी भी कैरेक्टर के लिए। जिस टाइप से जिगरा का उनका कैरेक्टर दिख रहा है, जिस टाइप से उनकी आंखों में एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मूवी में वो कमाल करके दिखाएंगी। अब बात ही आती है कि भाई बंदी को कोई भी कैरेक्टर पकड़ा दो उसमें वो जान फूंक देती है। हाईवे, उड़ता पंजाब, राजी, जितनी भी मूवीज है वो सारी मेरी फेवरेट है। इनकी इमोशनल रोल हो, एक्शन हो, इंटेंस थ्रिल हो, जिगरा में उनका एक टेस्ट होगा। ये देखना मजेदार होगा कि भाई बॉक्स ऑफिस पर छा पाएंगी या नहीं छा पाएंगी। अब सवाल ये आता है कि तुम्हें और मुझे जिगरा से क्या क्या उम्मीद रखनी चाहिए। तो सबसे पहले फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाली है और थ्रिल देने वाली है। दूसरा, आलिया का दमदार एक्टिंग देखने को मिलने वाली है। और तीसरा, वेदांग राणा एक नया टैलेंट, एक रिफ्रेशिंग टैलेंट हमें देखने को मिलने वाला है, वो कितना कमाल कर पाते हैं। ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पर इस मूवी से देखने को मिलने वाली हैं। अच्छा ये बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या जिगरा आलिया भट्ट की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है? क्या वो फिर से एक्टिंग से हमें अपनी हैरान कर देगी? और क्या साउथ सिनेमा के दबदबे के बीच में क्या ये फिल्म बॉलीवुड के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है क्या? ये कुछ एक्सपेक्टेशंस है जो मैं जिगरा से इस टाइम पर रख रही हूँ, क्योंकि पूरे साल में बॉलीवुड से कुछ खास मूवीज़ नहीं आई हैं, कुछ को छोड़कर, क्योंकि साउथ की साइड से तो बहुत सारी मूवीज़ आई हैं जिन्होंने इस साल दबदबा बनाकर रखा है। बाकी तुम बताओ, तुम्हें जिगरा से कितनी उम्मीद है? मुझे तो बहुत सारी उम्मीद है। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम फिल्मी चैट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।